नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। हरियाणा के करनाल में एक ऐसा गांव है जहां पर पानी की कमी की वजह से गांव में रहने वाले युवकों की शादी नहीं हो पा रही। ये गांव है करनाल जिले के इंद्री कस्बे का हिनोरी डेरा। यहां रहने वाली महिलाओं को पानी लेने के लिए कोसों दूर जाना पड़ता है, की वजह से गांव में रहने वाले कुंवारे लड़कों की शादी नहीं हो पा रही, क्योंकि यहां पर पानी की गंभीर समस्या है। ग्रामीणों का कहना है कि कोई भी माता पिता अपनी बेटी की शादी इस गांव में इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि किसी को ये मंजूर नहीं है कि उनकी बेटी कोसों दूर पैदल चलकर अपने सिर पर पानी लेकर आए। इस गांव में करीब 50 परिवार रहते हैं। हिनोरी डेरा से पश्चिमी यमुना नहर महज 200 मीटर दूर है। जब नदी में पानी रहता है तो गांव के हेडपंप से पानी निकलता है, लेकिन जैसे ही नदी सूख जाती है वैसे ही हेडपंप से पानी आना बंद हो जाता है। इतना ही नहीं, शौचालय के टैंकों से पानी लीकेज होकर हेडपंप से निकल रहा है, जिससे गंभीर बीमारियों की समस्या भी खड़ी हो गई। गांव की महिलाओं को सिर पर पानी की बाल्टी उठाकर कभी खेत के ट्यूबवेल से पानी लाना पड़ रहा है और ट्यूबवेल बंद होने पर दूर नहर से पानी लाना पड़ता है। गांव वालों का कहना है कि यहां पर सरकारी ट्यूबवेल और किसी तरह की कोई भी पानी की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा नहीं कराई गई। यहां रहने वाले लोगों ने खुद ही हेडपंप लगाए पर उससे काफी गंदा पानी आता है, उससे किसी भी चीज में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब इस समस्या पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी से बात करने का प्रयास किया गया तो ऑफिस में मौजूद नहीं थे। फोन पर जानकारी मिली कि हिनोरी डेरे में पानी की किल्लत है, उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं। गांव में पानी की समस्या की वजह से यहां रहने वाले युवकों की शादी नहीं हो पा रही, जिनकी तय हुई थी वो रिश्ते भी टूट गए। गांव वालों का कहना है कि जल्द से जल्द इस समस्या को सुलझाने की जरूरत है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।